व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल मैं न्यू वीडियोस। हो गए एक सेकंड, पहले ये देखो, ये रहा। सो अभी तक चांद पूरा गया नहीं है और मैं कहाँ निकल गया हूँ ऐसे रेडी हो गए। सो मैं कहाँ जा रहा हूँ वो तो मैं आगे बताऊँगा, पहले ये देख लो। आज एक्टिव पे नहीं, साइकिल पे मैं कहाँ जा रहा हूँ पैडल मार मार के, और कहाँ जा रहा हूँ वो तो मैं आगे बताऊँगा। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर आगे मिलते हैं। सो लेट्स गो। Is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. वाली गली मिला के कुछ चार पांच गली छोड़ के मेरा घर आता है, एंड मैंने यहाँ पे स्टॉप लिया हुआ है ये मंदिर के पास में। ये मंदिर श्याम बाबा मंदिर बोलते हैं, एंड यहाँ पे स्टॉप मैंने क्यों लिया, मैं आपको बोल रहा था मैं आगे बताता हूँ। तो मैं यहाँ से मेरे घर से जा रहा हूँ एयरपोर्ट, मेरे लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एयरपोर्ट जा रहा हूँ। एयरपोर्ट तो गया हूँ बट साइकिल में मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ। सो ये मेरे लिए बहुत टफ एंड चैलेंजिंग रहने वाला है। सो मैंने यहाँ पर स्टॉप क्यों लिया ये नहीं बताया मैंने। यहाँ पर स्टॉप मैंने इसलिए लिया, सो मैंने यहाँ पर स्टॉप इसलिए लिया है कि मैं आई एम प्रेइंग टू गॉड दैट मैं यहाँ से सक्सेसफुली वहाँ तक पहुँच जाऊँ। वहाँ से थोड़ा मुझे चलाते चलाते कुछ चीज़ें नज़र आई। वैसे मैं ये साइकिलिंग जॉगिंग सुबह करता नहीं हूँ, एक्सरसाइज भी मैं शाम के टाइम भी करता हूँ। बट सुबह का टाइम मतलब कैसे होता है, मतलब हर जगह एकदम बोले ठंडी हवा, लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई तो कोई योगा भी कर रहा है। मतलब हर जगह एकदम बोलते हैं नेचुरली फीलिंग आ रही है, एक अलग ही वाइब आती है सुबह सुबह। एवरी मतलब हर जगह अपने आप घुमाते एकदम बोलते हैं कि फिटनेस और हेल्थी पीपल दिखते हैं, और कुछ कचरा पेटी, कुछ पॉल्यूशन टाइप या कुछ अनवांटेड चीज़ नहीं दिखती। मतलब लुक एट दिस, दूर दूर तक एकदम बोलते हैं कोई गाड़ी नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लोग जॉगिंग कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, इट्स फीलिंग गुड। तो साइकिलिंग चलाते चलाते वो दूर एकदम दूर दिख रहे साइकिलिंग वाले, वो मेरे पीछे से आए एंड ओवरटेक करके चले गए। पता नहीं क्या कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, एक के बाद एक आगे जा रहे हैं, पीछे आ रहा है, डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। चलो अपने भी थोड़ा पास में जाते, कम ऑन। वो बहुत ज़्यादा स्पीड में, वी कांट कैच देम। एक को तो पीछे छोड़ दिया, लेट्स डू दूसरा बाकी, वो दूसरा बहुत दूर है, उसके पास गियर की साइकिल है, देखते। और मैंने यहाँ पे पैर फटाफट मारे तो मेरे पैर दर्द होने लग जाएंगे, सो जाने देते, कोई मतलब नहीं। सेकंड आ गए और यहाँ पे कुछ लोग जा रहे हैं। सो गाइस यहाँ पे राहुल राज के, ओ कऊ 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 कऊ। सो गाइस यहाँ पे राहुल राज के पीछे वाले हिस्से में हम पहुँच गए सक्सेसफुली, एंड मैं यहाँ पे उतर के ब्रेक नहीं लूँगा, उतर के आगे राहुल वी आर मॉल पे ब्रेक लेने वाला हूँ मैं। सो यहाँ से 2 मिनट का रास्ता और फिर ब्रेक लेता हूँ मैं। रास्ते पे कौवे क्या कर रहे हैं यार,
इतने सारे कुत्ते बिल्ली देखे थे, कौवे पहली बार देख रहा हूँ। कोई खाना नहीं, कोई अच्छा लुक क्या कर रही है, देखो निकल। और यहाँ पे 2 मिनट विश्राम कर लेते हैं। आप फ्लैग हो भैया। सो पैर थोड़ा सा टाइट है, कमर थोड़ी सी टाइट है, हाथ भी थोड़ा सा यू नो टाइट हो गया है, एंड धीरे स्वेटिंग भी स्टार्ट हो गई। एंड अभी तक धूप तो नहीं है इसलिए अच्छा है, और फ़ोन भी यू नो थोड़ा सा चार्ज है, 35% है। सो सक्सेसफुली फटाफट मेरा ये ब्लॉग ख़त्म हो जाए और मैं घर पहुँच जाऊँ। ट्राइपॉड लेके तो आया था पर जगह कहीं नहीं है तो मैंने यहाँ रख दिया जुगाड़। एंड एक चीज़, वो सारे सुबह सुबह जो साइकिलिंग पे आते हैं उनका ये स्टॉपिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी टी या जो भी करना हो तो करते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं। वो फाइनली ONGC पहुँच गए। एंड यहाँ से अब थोड़ा सा मतलब TGV और TGV की 2-5 मिनट बाद अपना एयरपोर्ट आ जाएगा। सो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही लोग हैं साइकिलिंग वॉकिंग के लिए। सो वेयर मॉल से तो निकल गए, यहाँ से यहाँ पहुँच गए ONGC ब्रिज। यहाँ से लगभग 5-10 मिनट और लगेंगे, मतलब TGV और TGV के बाद एयरपोर्ट ही है। सो मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी है, साइकिल। सो मैं इस पर भी एक ब्लॉग बनाने वाला हूँ, आई होप शायद, या हाँ भी हो सकता है ना भी। फाइनली वी आर हियर एंड हम पहुंच गए फाइनली, लगभग आधा घंटा लगा होगा एंड फाइनली यहाँ पहुंच गए। सो एकदम खाली, कोई नहीं। प्लस यहाँ पे मैंने एक साइकिलिंग का पूरा ग्रुप देखा था ग्रुपों के साथ एंड एक सेकंड। हाँ तो फाइनल तो पहुंच तो गया, बट यहाँ पे वापस यू नो रास्ता देख के लगता है कि बाप रे इतना दूर है, अब नहीं होगा। लुक एट दिस, जैसे तैसे पहुँच तो गए, इतनी चीज़ें देखते देखते यू नो टाइम नहीं लगा पहुँच गया मैं। बट बीच बीच में मैंने काफ़ी ऐसी चीज़ें देखी जो मैंने लाइफ में अभी तक नहीं देखी, मतलब सुबह सुबह, मतलब साइकिलिंग का ग्रुप है पूरा एक, वो भी यूट्यूब चलाते होंगे ग्रुपों के साथ, कोई साइकिल के पीछे केला लेके चल रहा है, कोई गाड़ी के अंदर साइकिल लेके चल रहा है, लाइक यूनिक चीज़ें देखने मिली। सो वो देखते देखते मैं पहुँच गया। प्लस सो 5 मिनट रेस्ट करते फिर अगेन चलते अपने घर। गाइज मैं सुबह एकदम एग्जैक्ट टाइम पे उठा और मैं वही वेट कर रहा था कि सनराइज होगा तभी मैं एयरपोर्ट पहुंचूंगा। एंड लुक एट दिस, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे मैं अभी रुका हूँ, बैठा हूँ, सनराइज भी हो गया। ओके लेट्स से बाय बाय टू एयरपोर्ट एंड लेट्स गो। सो फाइनली 10 मिनट ब्रेक लेने के बाद निकल गए एंड लुक एट दिस सनराइज। वैसे अभी 7 बजे एंड मैं अभी ONGC ब्रिज पार कर लिया, बट अभी जो टाइम देखा मैंने 7 बजे, और ये 7 बजे मुझे अपने स्कूल की टाइम की याद दिलाने लग गई। बिकॉज ये 7 बजे अपने स्कूल पहुंचते थे एंड देन ऊपर जाके दोस्तों से देखते थे कौन आया कौन नहीं आया, फिर वो अपनी सीट पकड़ते थे दोस्तों के, वेट करते थे एंड देन मौज मस्ती स्टार्ट। बट एग्ज़ाम के टाइम ऐसा नहीं होता था, एग्ज़ाम में जहाँ अपने बस में बैठे वहाँ से बुक पढ़ना स्टार्ट, और यहाँ पे एक जो अपना वैलेंटाइन जो मूवी थिएटर है वहाँ पे आते सबके फटके चार हो जाती थी, मतलब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा कुछ पता नहीं आता पता है। मेरे साथ तो कभी ये हुआ है कि मैंने जो SS के समझ लो मैथ्स के एग्ज़ाम में तो हिंदी पढ़ के चला गया, मतलब ऐसा भी मेरे साथ हुआ है काफ़ी बार। सो ऐसे सीन मेरे को याद आने लग गए बहुत, वो भी दिन थे, बट कोई नहीं दिन गए, अब मज़ा आती थी वो टाइम पर। और नहीं बोल पाऊँगा थक गया मैं, आई ब्रेक लूँगा वहाँ जाके बात करते हैं। एयरपोर्ट के बाद यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लिया, कॉफी ब्रेक।
सो फाइनली पहुंच गए यार। लुक एट द माय फेस, पूरा बॉडी स्वेट से भरा हुआ है एंड हार्ट बीट इज लाइक, पता नहीं जाते समय तो ऐसा लगा कि मैं मिनटों में पहुंच गया, आते समय तो ऐसा लगा कि मैं यहाँ से गांव जा रहा हूँ। मतलब इतना धीरे, पता नहीं क्यों, वही स्पेन सेम स्पीड थी आने जाने की, पर तो भी ओह फाइनली पहुँच गए यार। मुझे लगा मैं तो कल तक पहुँचूँगा, मतलब आई कांट से व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। मेरे पैर एकदम बोलते गर्म हो गए एंड फुल बॉडी इज लाइक वाइब्रेटिंग शेविंग। सो बस गए, और मैं नहीं बोल पाऊँगा, और कुछ मैं एक्टिविटी याद नहीं कर पाऊँगा आज के लिए, ब्लॉग के लिए इतना ही। इस मेहनत के लिए तो प्लीज़ एक लाइक, नहीं तो ज़रूरत नहीं है, डिसलाइक मारो बट कमेंट कर देना। आई होप ये वीडियो तो आपको अच्छा लगा होगा। मैं ये आज सोया भी नहीं हूँ लिटरली, 5 बजे तक मैं आँख नहीं लगी और 5 बजे मेरे को ये सडनली आइडिया आया तो मैंने ये ब्लॉग शूट किया। एंड और मैं क्या बोल रहा था, फर्स्ट टाइम था ये, बहुत हैवी। नेक्स्ट टाइम आई डोंट नो मैं कब वापस करने वाला हूँ। मैं हफ्ते में एक बार होगा लगता है, क्योंकि आदत नहीं इतना दूर जाने की। मतलब आज से 5, 4 या 7-8 साल पहले मेरे दोस्त के साथ यहाँ से, मतलब टिकम नगर से लेके मार्केट में हम वॉक करके जाते थे, बट फ्रेंड सर्कल नहीं है, नहीं तो चलता, अकेले जाना बहुत लंबा लगता है। सो बहुत बोल लिया, 2 मिनट तक बोल लिया एंड व्लॉग लंबा नहीं करेंगे। सो बस व्लॉग एंड करते हैं। मैंने सोचा आज, हाँ एक और बात, मैं सोचा घर पर बैठे बैठे एक एक चीज़ दिखा रहा, मैं सोचा आप भी पक गए मैं भी पक गया तो क्यों ना हम बाहर निकल जाए। बस लुक एट द फेस, पूरा हार्ट टैन हो गया। बाय बाय।